सबसे पहले श्री गणेश के चरणों में रह शीश नवाए वीरांगना वंती बाई, जिनकी गाथा रहे सुनाए रचना कर दी है गुलशन ने। भैया विनोद जी रहे सुनाए भैया श्री विकास लोधी, हम लोगों के बने सहाय रानी अवंती बाई लोधी। गई थी गोरों से टकराए रानी अवंती बाई नदीनी, लोधी समाज किसान बढ़ाए पैर पसारे जब गोरों ने। अपने हिंदुस्तान में आए पैर पसारे जब गोरों ने। पैर पसारे जब गोरों ने अपने हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तानी राजाओं के शासन लेने थे कब जाए, आए विदेशी अपने देश में। अपना रहे अधिकार जमाए अंग्रेजों ने हम लोगों को, आहा अपना नौकर लिया बनाए हो गए गुलाम हम गोरों के। हम पे हुकूमत रहे चलाए अपने देश वासियों पर वो, करते अत्याचार बताए अपने पूर्वजों को उनकी। कतई गुलामी सही न जाए अपने पूर्वजों को उनकी। अपने पूर्वजों को उनकी कतई गुलामी सही न जाए, हुए क्रांतिकारी फिर पैदा। कहां जुल्म अब सहेंगे नाए, आजादी के लिए लड़ेंगे। देंगे अपना लहू बहाए अब इन अंग्रेजों को इनकी। देंगे हम औकात बताए रानी अवंती बाई ने भी। लीनी थी तलवार उठाए किया सामना अंग्रेजों का, आहा उतर पड़ी मैदान में जाए भारत माता की बुलाड़ ली। भिड़ गई अंग्रेजों से जाए भारत माता की बुलाड़ ली। हाँ भारत माता की बुलाड़ ली, भिड़ गई अंग्रेजों से जाए। जिनका जन्म हुआ एमपी में, जिला है सिवनी रहे बताए नाम गांव का है मनखेड़ी। पिता जो झार सिंह बतलाए जन्म लिया है 16 अगस्त को, 1831 बताए जन्मी जमींदार के घर में। किसी बात की कमी थी नाए नाम मोहनी था बचपन का, अवंती बाई का बतलाए बचपन में ही मनखेड़ी में। इन्होंने शिक्षा लई थी पाए बचपन में ही मनखेड़ी में। बचपन में ही मनखेड़ी में इन्होंने शिक्षा लई थी पाए, सीख लिया तलवार चलाना और घुड़सवारी बताए। 17 साल की हुई अवंती,
उनकी शादी दई रचाए रामगढ़ के राजा के संग में। उनकी शादी हो गई हाय हुई थी शादी शिव तेरस को। खुशियां महलों में गई छाए राजा विक्रमाजीत उसने। पति रूप में लिया थपाए प्रजा सुखी थी इनके राज में। कुशल पूर्वक राज चलाए प्रजा सुखी थी इनके राज में। हाँ प्रजा सुखी थी इनके राज में। कुशल पूर्वक राज चलाए धीरे धीरे दो पुत्रों को। राजा पिता बने बतलाए पुत्र अमान सिंह थे पहले। दूजे शेर सिंह बतलाए पूजा पाठ और सत्संग में। अब तो राजा समय बिताए हौले हौले अब राजा की। हालत नाजुक सी हो जाए उसी समय अंग्रेजी शासन। भारत में रहनी जमाए राजा को कमजोर देखकर। गोरों ने लई नजर गड़ाए राजा को कमजोर देखकर। देख लो राजा को कमजोर देख कर गोरों ने लई नजर गड़ाए। 1851 सन में गोरे गए रामगढ़ आए राज रामगढ़ को गोरों ने। कौटुंब वाडस दिया बनाए कुछ समय के बाद में राजा। प्रभु को प्यारे हो गए हाय छोटे छोटे पुत्र छोड़ गए। रानी गई बड़ी दुखिया अब तो रानी के कंधों पर। गया भार शासन का आय बागडोर शासन की संभाली। तब रानी ने देखा जाए बागडोर शासन की संभाली। अच्छा बागडोर शासन की संभाली। तब रानी ने देखा जाए आस पास की रियासतों को। गोरों ने ली ना कब जाए तब रानी ने राजाओं को। एकजुट किया उन्हें समझाए छेड़ दिया मुक्ति आंदोलन। राजाओं को संग लगाए 1857 सन में। आहा गई एक नई क्रांति आए भिड़ गई सीधे अंग्रेजों से। उनके छक्के दिए छोड़ाए अंग्रेजी कप्तान बॉगिटन। दीनी उसको धूल चटाए अंग्रेजी कप्तान बॉगिटन। देख लो अंग्रेजी कप्तान बॉगिटन। दीनी उसको धूल चटाए ताहेपुर इंदौर मंडला। और अमर कंठक बतलाए अवंती बाई ने गोरों से। तबई राज को लिया छोड़ाए कई बार अंग्रेजी सेना। रानी से गई मोह की खाए होश उड़ गए बॉगिटन के। उसने फौजें लही बढ़ाए राज रामगढ़ को तब घेरा।
रानी गई सामने आए, बिजली बनकर टूट पड़ी वो देख लो। दुश्मन गए सभी दहलाए, बिजली बनकर टूट पड़ी वो। अच्छा बिजली बनकर टूट पड़ी वो, दुश्मन गए सभी दहलाए, सेनापति उमराव सिंह भी। रानी का रहा साथ निभाए, घिर गई रानी चारों तरफ से। भागी अपनी जान बचा, इतने में दुश्मन की गोली लगी हाथ में उसके जाए, छूट गई तलवार हाथ से। रानी गई निहत्ती हाय, रानी दुर्गावती की उसको। लोगों याद गई थी आय, मेरे जीते जिए दुश्मन, मेरे तन को छू ना पाए, मेरे जीते जिए दुश्मन। मेरे जीते जिए दुश्मन, मेरे तन को छू ना पाए, यही सोच कर खींच कटारी, खुद को मार लई थी हाय। रानी भाई बलिदान बतन पे, 20 मार्च को रहे बताए, सन थी 1858। वीर गति को गई थी पाए, एमपी में है जिला डिंडोरी। गांव बालपुर रहे बताए, वहीं बनी रानी की समाधि। पास साहेबपुर के बतलाए, स्वतंत्रता संग्राम की रानी। पहली महिला गई कहाए, स्वतंत्रता संग्राम की रानी। स्वतंत्रता संग्राम की रानी, पहली महिला गई कहाए, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने जान की बाजी दई लगाए। रानी अवंती बाई को ये देश हमेशा याद रखाए, सरकारें हो या समाज, इन्हें याद सब करते जाए। हर साल ही 20 मार्च को बलिदान दिवस मनाया जाए, रानी अवंती बाई की प्रतिमा लम्हेटा घाट पे दई बनवाए, जो ये जिला जबलपुर में है। एमपी राज्य में रहे बताए, जो ये जिला जबलपुर में है। जो ये जिला जबलपुर में है, एमपी राज्य में रहे बताए, मूर्ति जिस चौराहे पर है, धनवंतरी नगर बतलाए, मूरत को लगवाने में तो दिया सभी ने साथ निभाए। 9 अगस्त सन 14 में तो इस दिन को गई प्रतिमा आए, श्री रमाकांत सिंह रौली। महदेले पार्षद बतलाए, साथ में है रूपलाल सेठ, प्रेमचंद लोधी बतलाए, ठाकुर श्री किशोरी सिंह हैं, नारायण लोधी बतलाए, ठाकुर श्री किशोरी सिंह हैं।
ठाकुर श्री किशोरी सिंह है नारायण लोधी बतलाए श्री विकास लोधी ने अपना पूरा सहयोग दिया बताए सबके ही सहयोग से दीनी मूर्ति स्थापित करवाए सीएम शिवराज के हाथों से दीना अनावरण करवाए हर साल 16 अगस्त को ही अवंती जयंती मनाई जाए रानी अवंती बाई को ये देश कभी भी भूला ना भारत की छत्राणी वो थी इनकी याद हमेशा आए तो सौ बार ना मन करते हैं अवंती बाई को शीश नवाए महारानी को शीश नवाए भैया विनोद ने दिया सुनाए गुलशन ने ये लिखा है आए हाँ।